जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन आर्मी, जी इंडियन आर्मी के अंतर्गत आप लोग की आर्मी ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट कलकत्ता में आप लोगों की जो वैकेंसी निकली हुई थी, इसके आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। एडमिट कार्ड से लेकर के आप लोगों को सिलेबस ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये आप लोग की भर्ती थी इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंटल कौन कलकत्ता में आप लोग की वैकेंसी थी। 25/10/2021 आप लोग की लास्ट डेट थी। ऑफलाइन आप लोग अप्लाई हुए थे। कुक, बारबर, स्वीपर, वाशरमैन, मैसेंजर की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी थी। 10th पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। अब बात ये आती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आप लोग का रिक्रूटमेंट। इससे पहले मैं आप लोग को एडमिट कार्ड की डिटेल देता हूँ। जी हाँ, आप लोग ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं, आप लोग के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे एडमिट कार्ड आ रहे हैं। ये इनकी बारबर की पोस्ट है और 24 अप्रैल 2022 इनकी जो है डेट है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की। रिपोर्टिंग टाइम इनको 4 बजे पहुंच जाना है विक्टोरिया गेट फोर्ट विलियम्स, ठीक है, कलकत्ता में आप लोगों को जाना है। वेन्यू ऑफ टेस्ट आप लोगों को बता दिया गया है, ट्रेनिंग ग्राउंड ECSR फोर्ट विलियम कलकत्ता, ठीक है। ये आप लोग का स्थान है, यहीं पे आप लोग का जो है रिटर्न एग्जाम होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बार बार की इनकी पोस्ट थी, ठीक है, नाम, फादर नेम, कैटेगरी वगैरह दिए, STD कोड, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। 4 बजे इनको पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 5 बजे तक आप लोग को वहाँ पे एंट्री मिलेगी। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और इसके अलावा आप लोग जो है यानी कि एक आईडी प्रूफ आप लोग जरूर ले लेंगे। इसके अलावा ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप लोग का आया हुआ है, पेन पेंसिल, ठीक है, क्लिप बोर्ड वगैरह, सैनिटरी वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग जरूर ले लेंगे। और इसके अलावा कॉल लेटर आप लोग का बहुत ज़रूरी है एंट्री के लिए, तो कॉल लेटर आप लोग जरूर ले जाएंगे। बिना विदाउट कॉल लेटर आप लोग की एंट्री नहीं है। कोई DAT आप लोग को नहीं दिया जाएगा और कोई मोबाइल फ़ोन आप लोग का अलाउ नहीं है अंदर। इसके अलावा आप लोग की जो है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप लोगों से कोई RT-PCR नहीं मांगा गया, लेकिन जो कोविड का आप लोग वैक्सीन लगाया है उसका सर्टिफिकेट आप लोग जरूर लेके जाएंगे एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। ये एड्रेस वगैरह दिया गया है जो भी विभाग का है। ये हो गया एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग के आ रहे हैं, एक एडमिट कार्ड नहीं, कई एडमिट कार्ड आए हुए हैं मेरे पास। कई एडमिट कार्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं, जी हाँ, कई एडमिट कार्ड पड़े हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ रिक्रूटमेंट, जी हाँ, रिक्रूटमेंट कौन सी है आप लोग की। इसके अलावा सिलेबस की भी जानकारी आप लोग को मिलने वाली, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट फोर्ट विलियम कलकत्ता एम्प्लॉयमेंट नोडी, यही आप लोग की रिक्रूटमेंट है। इसके अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी थी, ऑफलाइन अप्लाई हुए थे। एड्रेस आप लोग का था कमांडिंग ऑफिसर ECSR फोर्ट विलियम कलकत्ता में आप लोगों ने यहाँ पे सेंड किया था। और यहाँ पे कुक की वैकेंसी निकल के आई थी, वाशरमैन की, बारबर की, स्वीपर की और मैसेंजर की आप लोग की वैकेंसी थी, ठीक है। ट्रेड वगैरह की जानकारी दी थी जो आप लोग का ट्रेड है। यहाँ पे 10th क्लास आप लोग जरूर पास होने चाहिए थे सभी पोस्टों के लिए। यहाँ पे आप लोगों से 10th पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। एज वगैरह आप लोग के 18 से 25 साल, 1 सितंबर 2021 को काउंट की गई थी। क्लोजिंग डेट वगैरह मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। तो यही आप लोग की रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने भी अप्लाई किया है तो आप लोग के भी एडमिट कार्ड आएंगे। एग्जाम आप लोग के 24 अप्रैल में होने वाले हैं, सभी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। कई बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं, उन्होंने मुझे सेंड किया, तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब बात यह आती है 24 अप्रैल को हमें यहाँ पे एग्जाम देने जाना है, तो रिटर्न एग्जाम आप लोग का होगा। रिटर्न एग्जाम कैसा होगा, तो देखिए रिटर्न एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथ और आप लोग की रीजनिंग आने वाली, सभी पार्ट आप लोग के 25-25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 25-25-25 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आप लोग के 100 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग का 2 घंटे का टाइम मिलेगा। रिटर्न एग्जाम के बेस पे जो है आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। जब आप लोग के मार्क्स रिटर्न एग्जाम के अच्छे होंगे, आप लोग को पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का यहाँ पे 100 नंबर का होना है और दोनों ही एग्जाम के बेस पे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन है, यानी कि रिटर्न एग्जाम और ट्रेड के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन है। रिटर्न एग्जाम भी आप लोग का 100 नंबर का है और ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का यहाँ पे 100 नंबर का, बिल्कुल माइंड में इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ओनली और ओनली रिटर्न के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन नहीं है, रिटर्न के साथ साथ आप लोग का ट्रेड में भी 100 नंबर आने चाहिए और ट्रेड के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा जब आप लोग को जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए ये आप लोग को मैंने जानकारी दे दी, अब मैं आप लोग को सिलेबस की जानकारी देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को भर्ती देखो का जो है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लोग आ जाएंगे। जी हाँ, भर्ती देखो पर आप लोग को आना है। आने के बाद आप लोग सबसे ऊपर आप लोग को यहाँ पे देखेंगे सिलेबस, जी हाँ, सिलेबस की जानकारी आप लोग देखेंगे यहाँ पे।
एडमिट कार्ड पे आप लोग आ जाएंगे या फिर नीचे सिलेबस पे आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। सिलेबस पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट कलकत्ता एडमिट कार्ड एंड सिलेबस, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोग को भर्ती से रिलेटेड और इसके अलावा जो भी आप लोग का एडमिट कार्ड है सिलेबस है। आर्मी ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट कलकत्ता एडमिट कार्ड एंड सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, पूरी ए टू जेड डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। 24 अप्रैल 2022 को आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होना है, किसी भी प्रकार से आप लोग दिक्कत नहीं लेंगे। रिटर्न और प्रैक्टिकल बेस आप लोग का सिलेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दी थी, कितनी वैकेंसी थी, कब से कब आप लोगों ने अप्लाई किया था, एग्जाम कब है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। पूरी वैकेंसी की डिटेल है, एग्जाम डेट और सेंटर, एग्जाम सेंटर आप लोग को दे दिया गया। इसके अलावा हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड आप लोग के घर पे आ रहे हैं, एडमिट कार्ड का प्रारूप भी यहाँ पे मैंने आप लोग को दे दिया है, एग्जाम सेंटर लोकेशन आप लोग का कलकत्ता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओरिजिनल कॉल लेटर, आईडी प्रूफ, पेन पेंसिल क्लिपबोर्ड, मास्क, सैनिटाइजर बोतल, फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप लोग जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग रीड कर लेंगे, क्या क्या लेके जाना है नोट कर लेंगे और जाते जाते आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे सर ने क्या लिखा है, ठीक है। सिलेबस की जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सिलेबस देखेंगे यहाँ पे, रिटर्न एग्जाम, ट्रेड और मेडिकल और के बाद आप लोग का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, रिटर्न एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम होगा, क्या क्या चीज़ें आने वाली है इसकी डिटेल भी आप लोग को दी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 10th लेवल का आप लोग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। OMR बेस होगा, ब्लैक और ब्लू पेन आप लोग ले लेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही होने वाले, पूरा पेपर आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में होगा बाकी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को जो सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे आप लोग के आने वाले हैं इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, चाहे आप लोग का यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज हो, या फिर आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जी हाँ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की भी डिटेल आप लोग को दी गई है, जिसमें नंबर, प्रॉब्लम ऑफ नंबर, SCM, LCM, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे एवरेज। और इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग रीजनिंग, जी हाँ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोग को दी गई है। तो रीजनिंग में आप लोग की एनोलॉजी सीरीज, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एबिलिटी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन अरेंजमेंट, ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग वगैरह आप लोग की आने वाली, नंबर सिस्टम, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज वगैरह, तो ये आप लोग का रीजनिंग का होगा, ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश, इसके बाद इंग्लिश, इसमें आप लोग की इंग्लिश आने वाली, हिंदी नहीं आएगी, तो इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे क्या क्या चीज़ें आप लोग की आने वाली, वोकैबुलरी आने वाली, ग्रामर आप लोग की आने वाली है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आने वाले हैं, एक्टिव पैसिव, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे मैंने नोटिफिकेशन का लिंक भी आप लोग को दिया हुआ, क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन है आप लोगों ने अप्लाई किया था नहीं किया था उसकी डिटेल मिल जाएगी। वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल, जी हाँ वैकेंसी की डिटेल के लिए आप लोग नीचे वीडियो भी देख सकते हैं, पूरी पूरी जानकारी आप लोग को रिक्रूटमेंट की लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। तो एग्ज़ाम आप लोग के 24 अप्रैल को यहाँ पे होने वाले हैं, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जांच पे यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लगते रहे। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।